हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एसएससी का एग्जाम। एसएससी का एग्जाम ठीक है, जो आपका रिलेटेड है सीजीएल का। ये एग्जाम जो है वो आपका 3 दिसंबर को हुआ था, ओके। और शिफ्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट है। इसमें हम जो करने वाले वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, ओके, डी पॉइंट मिड पॉइंट है बीसी पर, ओके, मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल, और बी सी की लेंथ है 8, ओके। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल बतानी, तो ये बताना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए हम क्या फार्मूला निकालते हैं कि हाइट जो होती है वो आपका √3/2 इंटू साइड होती है, ठीक है, साइड होती है। तो इसको सॉल्व कर दो आप, √3 × 2, साइड आपको दे रखी है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 4, ये कटेगा तो 4 √3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक थीफ है जो चोरी कर रहा बाइक को इतने बजे और इतनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। बट थेफ इज डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर, ओके, द बाइक ओनर, ओके, जब चोरी हो चुकी है तो उसके आधे घंटे के बाद जो बाइक ओनर है वो उसको पीछा करता है और दूसरी बाइक से, ठीक है, जो कि स्पीड इतनी दे रही है, तो चोर कब तक पकड़ा जाएगा ये सब पूछा है। आप देखो, मान लो कि एक बात आप देखो कि आधे घंटे के बाद उसको मालिक को पता चला, ठीक है, तो चोर यहां से निकल के आधा घंटा कुछ डिस्टेंस गया होगा, कितनी डिस्टेंस गया होगा। अगर 1 घंटे की डिस्टेंस कितनी, 48 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसका मतलब हाफ का कितना हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, तो आधे घंटे में ये 24 किलोमीटर दूर चला गया। मतलब 24 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसके मालिक को पता चला कि उसकी बाइक चोरी हो गई और वो उसका पीछा करने लग गया, ठीक है। तो अब यहाँ से चलेगा, चोर तो यहाँ पहुंच गया, चोर तो कुछ आगे जाएगा, ठीक है, और कुछ देर के बाद यहाँ इसको पकड़ लेगा, ठीक है, मालिक। लेकिन जो इसकी स्पीड देखते हैं, रिलेटिव स्पीड है, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में भागेंगे अगर पकड़ना है तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, अगर दो स्पीड आपको अलग दे रखी है, एक्स और वाई अलग दे रखे है, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई इन रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो कितना है एक्स माइनस वाई, 58 − 48 हो जाएगा, और यहाँ से 10 की क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो अगर रिलेटिव स्पीड आई तो हम डिस्टेंस चेक करेंगे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी, जब की स्पीड हो जाएगी ना, टाइम चेक करेंगे, ठीक है। अब आपका टाइम चेक करेंगे कितनी देर के बाद वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप 12:30 बजे चला था, ये बजे कितना, यहाँ पर 1 बज गया, ठीक है। तो अब इससे आगे हम टाइम चेक करने वाले हैं कितना लगने वाला है, तो इससे आगे जो टाइम लगेगा वो 24/10 टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाए, ठीक है, 2.4 आ जाए, और 2.4 का टाइमिंग पता लगाना है, तो 2 घंटे तो ये हो गए, 4/10, ओके। तो ये तो घंटे हो गए, 2 घंटे + 4/10 घंटे, ठीक है। लेकिन इस घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, तो मल्टीप्लाई 60 से कन्वर्ट कर दूंगा, तो 0 से 0 कट गया, तो इसका मतलब 2 घंटे 60 मिनट के बाद ये पकड़ा जाएगा, ठीक है, सॉरी, 2 घंटे 24 मिनट, 60 मिनट कहाँ लिख दिया मैंने, 24 मिनट के बाद, ठीक है। तो 2 घंटे 24 मिनट के बाद पकड़ा जाएगा, कब, जब आपका चोर यहाँ पर हो, जब चोर, मतलब जो ये 2 घंटे 24 मिनट है टोटल कौन लेगा, उसका मालिक लेगा, जिसकी स्पीड कितनी है, 58 किलोमीटर/आवर, ठीक है। तो 1 बजे तो भागेगा वो, 1 बजे तो भागेगा कि आधे घंटे के बाद भागेगा, तो 1 बजे के बाद 2 घंटे, 1 बजे के बाद 2 घंटे और 24 मिनट को और कन्वर्ट कर दो,
और आपका आंसर निकाल दो, तो 3 घंटे 24 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इस साइड ये दे रखी है आपको, तो बी सी की लेंथ निकालनी है, तो ट्रायंगल बना लो। सिमिलर क्या होता है, इन सभी का साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, और सिमिलर में पॉइंट टू पॉइंट इक्वल रखने हैं एफ डी ए। ए बी आपका 9 है, ए सी आपका सॉरी ए सी आपका 11 है, डी एफ आपका 16 है और ई डी ई आपका 12 है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, बी सी निकालनी ये वाली एक्स, ठीक है। तो क्या होता है, रेशियो जो होता है साइडों का सेम कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब ए बी का और एफ डी का रेशियो किसके इक्वल होगा, बी सी वाली निकालनी है, बी सी आपको डी ई, इसको सॉल्व कर दो। ए बी कितना आपका 9, 9/16, बी सी आपका एक्स और ये आपका 12, तो कट करोगे तो 4 4 चौक 4 3, तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू 27/4, इसको सॉल्व करोगे तो 6 6 से 3/4 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ टू सर्कल इतना दे रखा है, सॉरी सिलेंडर और उनकी हाइट का रेशियो इतना दे रखा है, तो वॉल्यूम का रेशियो हमें बताना है, ठीक है। तो क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पहले का एच 1, ठीक है, और दूसरे का पाई आर 2 का स्क्वायर इनटू में एच 2, तो पाई से पाई कट कर दो, ये निकालना। तो रेडियस फर्स्ट की 1 है और दूसरे की 4, ये 1 × 1 हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो रेडियस आ गई, हाइट हाइट एक की 4 है, दूसरे की 3 है, तो इसको कट कर दो, 4 से 4 कट गया, ऊपर 1 है, नीचे कितना हो जाएगा 12, 1:12 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि x+1/x = 2cos θ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 ले लूं तो ये आपका कितना बना देगा 1, तो इसका मतलब x+1/x कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। ओके, तो 1+1 2 2 भी, हाँ तो 2 ये बना देगा, 2 ये बना देगा, ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। ओके, तो आप थीटा की वैल्यू और कोई भी मान सकते हो, आप 30 मत मानना, क्योंकि 30 पे ये आपका 60 बना देगा, ये आपका 90 बना देगा, और 30 पे अलग एंगल होगा, 60 पे अलग एंगल होगा, और 30 पे अलग, 90 पे अलग एंगल होगा, ठीक है। तो हमें क्या मानना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, आप मान लेना, वैसे थीटा की वैल्यू कोई भी वैल्यू मान ले, 30 45 45 भी मत, आई थिंक 45 ठीक रहेगा, ये 90 0, हाँ 45 आप मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, 45 तो 2 डिवाइड, ये √2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 45 1/√2 होता है, और x+1/x की वैल्यू √2 आ जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना दे देगा, ये तो √2 का क्यूब करोगे तो 2√2 और माइनस में 3√2, तो -√2 आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू दे गई, ठीक है। तो 45 माना तो 90, कोस 90 कितना होता है 0, ठीक है। ओके, और यहाँ पे भी कोस 90 सॉरी थीटा आप 45 रखो तो 35 रह गया, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या देता है, हमेशा माइनस देता, और माइनस का 1/√2 आ जाएगा, और इंटू में 2 है ही, इसको कट करो तो √2 आ जाएगा, तो माइनस का √2, बिल्कुल सेम आंसर दे रखा है। अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है जब 1 पावर की वैल्यू दे रखी और क्यूब पूछा तो क्या होता है कि 2cos θ का ऑलरेडी का क्यूब माना जाता है, और माइनस में 3 × में जो वैल्यू आपको दी गई है उसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8cos³θ माइनस में 6cos θ, ठीक है। तो यहाँ से क्या 2 कॉमन ले लें, और 2 कॉमन लेंगे तो 4cos³θ माइनस में 3cos θ,
अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos³θ - 3 cos θ का, ये आपका क्या होता है, cos³θ, ये तो होता है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो और चाहे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि ए और बी किसी काम को दोनों मिलकर 6 घंटे में कर रहे हैं और ये तीनों 4 घंटे में कर रहे हैं, और सी अकेला कितनी देर में करेगा, ये आपसे पूछा है। तो ए प्लस बी मिलकर 6 घंटे में कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 घंटे में कर रहे हैं, टोटल काम निकाल लो एलसीएम से 12, और ये आपका कितना हो जाएगा, ए बी दो कर सॉरी हाँ दो कर रहे हैं और बी ए बी सी तीन, तो एफिशिएंसी कितने की ज़्यादा है, लास्ट वाले की ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, सी की ज़्यादा है। ठीक है, अगर सी को हम निकालेंगे तो माइनस कर देंगे ऊपर वाले को, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अगर 1 है, अगर सी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 12 काम कितने दिन में करेगा, तो 12/1 दिन में करेगा, तो 12 दिन आपका, 12 सॉरी टाइम टाइम घंटे में दिया हुआ है, मैं दिन ले रहा हूँ, तो 12 घंटे में आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला इसने कि एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना आर्टिकल पी और क्यू का, पी 70 है, क्यू 120 है, तो 70 और 120 कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, और 190/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 85 आ जाएगा, आई थिंक 85 नहीं 95 आएगा, ठीक है 95, और 95 का मल्टीपल हमें चेक करना है, तो 95 का आपका ये दे रखा है। ठीक है, सिर्फ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर अच्छे से करें तो यहाँ पर दिया हुआ कि टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ 7 आर्टिकल का 3600 रुपये, तो मतलब 360 डिग्री का कितना दिया हुआ, 3600 दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ से 1 डिग्री का कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 सॉरी 10 आ जाएगा। ठीक है, और 95 का कितना आ जाएगा, 95 डिग्री का 950 आ जाएगा। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा और साइन थीटा में कैसे शो कराएंगे इसको, ये हमें चेकआउट कराना है। ठीक है, ओके, तो सेम प्रोसेस है, तो क्या है सेम प्रोसेस कि थीटा की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालनी है, तो कोस को हमने 0 बना देना है, कोस 0 कब बनेगा, जब इसकी वैल्यू 9 थीटा की वैल्यू 90 हो, ये 90, तो यहाँ पर हम दोनों को सम करेंगे तो ये आपका 0 दे देगा, कॉस आपका 0 दे देगा और ये 1 हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए अगर वैल्यू पुटिंग से करें तो। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1, ये आपका 2 + 2 - 1 करेंगे तो ये आपका कितना दे देगा, 3 दे देगा, ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा, माइनस में ये भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ भी गलत हो गया, ये आपका 2 आ जाएगा, माइनस में 2 करेंगे, माइनस 1 2 से 2 कट जाएगा, -1 आया, ये भी गलत हो गया, तो ये आपका 2 आया, -2 करो +1, 2 से 2 कटा, प्लस का 1 आंसर दिया, और 1 ही अपना यहाँ पर भी था, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, बोला कि 3 सर्कल है जिसकी रेडियस इतनी है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं भाई, एक सेम रेडियस वाला, ओके तो एक स्ट्रिंग बांधी गई है बिल्कुल टाइट इन तीनों सर्कल के अराउंड, तो भाई आप समझ जाना जैसा भी डायग्राम बने कि इन सभी को बांध दिया गया है। ठीक है, ओके तो इन सभी को बांध दिया गया, तो ये रेडियस कितनी, 6, सभी की 6 6 रेडियस, ओके सभी की रेडियस कितनी है, 6, तो लेंथ हमें इस जो या जिस भी डोरी से बांधा गया है तो इसकी लेंथ बतानी है कि सभी ये सारी मतलब जिससे हमें बांधा है उसकी लेंथ कितनी होगी, ये निकालना। तो सिंपल सी चीज़ है, फार्मूला आपको याद रखना है, देखो ये क्या है, ये आपका एक पेरीमीटर है, या पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस आप कह सकते हो, तो सरकमफ्रेंस कह सकते हो तो 2πr ले लेते हैं। ठीक है, 2πr ले लेते हैं, राइट, और प्लस में कर देंगे कि इसके अंदर कितना सर्कल है, कितने सर्कल है, हाफ मिनी सर्कल को मैं एन मान लेता हूँ, और साथ में एन की मल्टीप्लाई डायमीटर से कर दूंगा। ठीक है, क्यों डायमीटर से की, क्योंकि
हमने इस पूरी दौरे का रेडियस अगर निकालेंगे तो ये एक बार आ जाएगा, तो ये मतलब इसका डबल आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो चेक कर लेते हैं, 2 पाई आर, पी देख बताता हूँ मैं। यहाँ पर पाई को पी कह दिया गया, पाई को क्या बोल दिया गया, यहाँ पर पी बोल दिया गया, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो 2 गुना पाई गुना आर कितना है, 6, प्लस में 3 गुना 12, तो 36 प्लस 12 पाई, 36 प्लस 12 पाई आपका फर्स्ट ऑप्शन में, और ये आपका राइट आंसर है। सिर्फ ऑप्शन मैच करना है और सॉरी फार्मूला से आपको ये आंसर निकालना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, बोला कि अगर एक्स की वैल्यू ये है तो ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो ये क्या कहता है, √x − 1/√x, ये आपका क्या कहता है कि हमारे पास कोई वैल्यू है x + 1/x, इसमें हम -2 कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, फिर अपना ये आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बड़ा है उसको आगे लिख रख देंगे, बड़ा कैसे निकालेंगे, इनमें इसकी वैल्यू में से इनका स्क्वायर करके, तो इनका इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, तो बड़ा कौन सा आ जाएगा, 3, तो 3 आगे रख देंगे और जो सेकेंड वाला उसका साइन चेंज कर देंगे, ओके, ये 1/x आ गया, पुट कर दो, 3 + √2, ये आपका x हो जाएगा, 1/x कितना है, 3 − √2, और माइनस, तो √2 − √2 √2 कैंसिल आउट, तो ये 3 6, तो -2 कितना हो जाएगा, 4, 6 − 2 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो 2, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, डाटा दिया गया है, ओके, पॉपुलेशन दे दी गई, लंबा लेंथी क्वेश्चन है भाई ये तो, चलो चेक करते हैं क्या क्वेश्चन बोला कि इफ 1998 देर वाज इंक्रीज ऑफ 20% इन पॉपुलेशन ऑफ गोवा एंड 10% ऑफ अरुणाचल प्रदेश पिछले साल से, ठीक है, रेशियो ऑफ गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश 1997 के, ये डाटा किस चीज, कौन से ईयर का दिया हुआ है इन्होंने, 1998 का, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बोला कि गोवा में जो है 20% इंक्रीज हुआ है 1998 में पिछले साल के मुकाबले, ठीक है, ओके, और बोला कि अरुणाचल प्रदेश में 10% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कुछ और दे रखी कंडीशन, सिंपल सी कंडीशन है, और टोटल पॉपुलेशन हमें बतानी है, फिर ये डाटा क्यों दिया हुआ इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, दिया आई थिंक रेशियो निकालने के लिए, पॉपुलेशन निकालने के लिए दी गई है, चलो चेक करेंगे, कोई बात नहीं। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1998 में गोवा की पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी 1997 की, तो पहले 1998 की गोवा की निकालते हैं, तो गोवा यहाँ पर है तो 3 और 5 टोटल कितने हो गए, 8, 8 जनसंख्या है 1998 में, ठीक है, ओके, और नीचे कितनी है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, ये भी कितना, 8, ओके, ये तो कब होगी, जब आपकी इंक्रीज हुई है 10% या फिर 20%, ओके, 20% को फ्रैक्शन बनाओ, 20% का फ्रैक्शन आपका 1/5 हो जाएगा, और 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा, के थोड़ा हार्ड कैलकुलेशन है लेकिन करेंगे इसको। चलो नहीं, चलो करके देखते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर तो नहीं आ रहा लेकिन फिर भी हम करेंगे इसको, ट्राई तो करेंगे। अगर 20% इंक्रीज हो, इसका मतलब पिछले पच्छक पीछे कितनी थी, वो 100 थी, 100 से कितनी होगी, 100 से कितनी होगी, अगर मैं 20% इंक्रीज हो तो 100 से 120 हो गई, और 120 की वैल्यू 8 है, ठीक है, 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, राइट, यहाँ से कितना डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया, राइट, तो यहाँ पर भी 15 से डिवाइड कर देंगे,
तो 100 माइनस 15, सॉरी 100 डिवाइड बाय 15 कितना हो जाएगा? ये तो भाई बहुत लेंथी क्वेश्चन बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा तो अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में 1997 में कितनी पॉपुलेशन मान लेते हैं? 100 डिवाइड बाय 15, राइट? ओके। और अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में 10% इंक्रीज हुई है, 110 हुई है, और इसकी वैल्यू 8 है। ओके, इसकी वैल्यू 8 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में 100 को डिवाइड करेंगे किससे? 8/110 से। तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 110/8 आ जाएगा, ठीक है? और ये बोला वो 1997 में, ठीक है? और कुछ पूछा है? पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 100/15 और नीचे कितना, 100 गुना 110, इस ऊपर कितना आ जाएगा, 800 से 100 कट हो जाएगा, तो 8/ भाई लेंथ ही क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आप सॉल्व करके देख लेते, नहीं तो स्किप, इस टाइप के क्वेश्चन को हम स्किप ही करते हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो सॉरी इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, बोला कि सुमन पेड कर रही इतना और 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर इतना, ठीक है? ये तो आपका कितना है, इंटरेस्ट है, ये तो आपका इंटरेस्ट दे दिया, SI दे दिया। तो SI जो है 5 साल के लिए 16%, तो 5 साल के लिए 16%, तो टोटल परसेंट कितना हो गया, 80%। और 80% की वैल्यू इसने कितनी दिया, 9600। अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट कितना होता है, 100 होता है, ठीक है? 100% हमें निकालना है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1200, सॉरी 12, 120 आ गई, ठीक है? और इस इधर 120 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आपके 120 और 2 0 आगे लगा दो, 12,000 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो यहाँ से 10 ये क्या दे दिया, थीटा माइनस, कोई बात नहीं, हमें तो अपनी उल्टी पोजीशन लेनी है, 14 माइनस थीटा, ओके। तो जैसे हमने अगर ये पोजीशन चेंज की है तो इसका मतलब हमने माइनस कॉमन लिया होगा, ठीक है? अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम कोई भी 0 डिग्री माइनस, ये आपका 14 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर 0 या आपका 10 है, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बता रहा हूँ यार, तो 0 माइनस करोगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट 10 हमेशा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पर 10 मतलब यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है? अगर इसको पूरे को कैलकुलेट किया है तो मैंने, ठीक है? तो ये सब करने के बाद यहाँ पर मुझे पता चला कि 180 का क्या है, 180 का ऑड इवन मल्टीपल है, ठीक है? 180 का इवन मल्टीपल इस साइड आता है और 180 का ऑड मल्टीपल इस साइड आता है, ठीक है? और जब इवन मल्टीपल इस साइड आता है तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 0 या फिर 0 डिग्री के लगभग हो जाएगा ना, 0, 360, 720 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से भी थीटा कुछ ना कुछ माइनस लिया, तो इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर आ गए, मतलब -10 वैल्यू 14 पाई -थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसका मतलब अपोजिट साइन दे देगा, पहले ही माइनस है तो, और एक और माइनस ये दे देगा, तो एक और माइनस देगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका एक क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, कर दूंगा लेकिन इस स्क्रीन पर नहीं हो रहा, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ जाए। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आपको वो करके दूँ, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, 13 क्वेश्चन तक, आगे के 14 क्वेश्चन से हम बाद में ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।